यह क्षेत्र कृषि योग्य भूमि का एक अलग सा इनका अपना महत्व रहा है। इस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में इनकी अपनी फसलें होती है, दालें होते हैं, फूल होते हैं, जड़ी बूटियां होती है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग अपॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने जैविक कृषि पर भी काम करना शुरू किया। तो यहाँ रहते हुए यहाँ की संपदाओं को, यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ के संभावनाओं में अगर हम कुछ ऐसा एक बड़ा सा एस्पिरेशनल वैल्यू जोड़ सके, जो यहाँ के युवा, यहाँ के कृषक कहे कि हाँ मैं कृषि करना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और सेवा कृषि के मूल में यही है। तो इसके तहत हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम टूल्स दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, और तीसरा हम नए प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं। तो सेवा कृषि में हम तीन चीज़ों को ला रहे हैं, वी कॉल इट 3T, विच इज़ टूल्स, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। विगत 1.5 वर्षों में 2015 के आसपास हमने अपना कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हम समुदाय तक गए, उन लोगों से बातचीत की, और फिर हमने SAG, जो स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट है, उस पर हमने कार्य करना शुरू किया। तो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग को कैसे प्रमोट किया जाए, दूसरे के सुख को अपना सुख कैसे समझा जाए, दूसरे के दुख को अपना दुख कैसे समझा जाए, और कैसे परस्पर सहायता करके आगे बढ़ा जाए। उनका कहना था, आज तक हर एक छोटे से छोटे काम के लिए पति से पैसा मांगना पड़ता था, आज पहली बार 2000 का एक कपड़ा खरीद के मैंने अपनी बेटी को दिया है। सुनने में ये एक बहुत छोटी सी बात हो सकती है, 2000 रुपये क्या है, लेकिन ये जो एक सोशल एम्पावरमेंट है कि एक महिला आर्थिक तौर पे खड़े होके अपनी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, आर्थिक आवश्यकताओं को खुद पूरा कर सकती है, तो ये जो एक आत्मविश्वास लेके आता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम रहें ना रहें, चलदार गांव का जो ये सेवा गौरा देवी समूह है, आज से 20 साल बाद भी आपकी बहुएं भी हैं तो भी वो भी चलाए। तो जब भी कुछ करते थे कार्यक्रम, तो महिलाओं को बुलाते थे जागरूक कराने के लिए। तुम्हारे यहाँ पे हम सेवा इंटरनेशनल का एक सेंटर खोलेंगे, और तुम्हें महिलाओं को मतलब जागरूक कराना होगा, एक समूह SSG बनानी होगी। तो कहा कि आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि तपोवन में ही खोलना है, अगर तपोवन में खुलेगा आसपास के गाँव आप लोगों को देखकर जागरूक हो जाएंगे। आए 2-3 बार मीटिंग बैठाई हमने, तो सबसे बाद में बनाया समूह आसपास के गांव में। उसके बाद तपोवन में समूह बनाया, फिर तपोवन वालों ने कृषि से संबंधित सारे कार्य किए, मतलब उसकी उत्पत्ति की उसको। उसके बाद फिर भंग्योल गांव का SSG बनाया, एक एक ग्रुप उनको बताया कि समूह के माध्यम से हम कैसे बचत करते हैं, फिर कैसे कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। एक हमें बीज लाना, तो अच्छे लाना। उसके बाद उन्होंने मटर का बीज दिया, तो एक तो उन्होंने मतलब माइनस करके 500 का बीज 100 रुपये में दिलाया। फिर लोगों को बहुत खुशी हुई कि हाँ यहाँ पे हमें अच्छे से अच्छे बीज मिलते हैं। लिंगी गांव में जब गए हम, वहाँ पे सामूहिक जगह पे बोया था सारे समूह वालों ने। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि जो तुमने खेतों में उगाया
राजमा है, चौलाई है, रामदाना है, ये और सुक्स है, घर का जो भी है वो तुमने अच्छे से ग्रेडिंग करके फिर यहाँ से पैकेजिंग करके गाड़ी में लेकर मतलब स्टॉल वहाँ सबसे पहले वहाँ अगस्त मुनि मेले में गई और वहाँ पे स्टॉल पे ले गए सामान, तो बिकाया हर कोई बोलने लगा कि ये कहाँ से ये राजमा आई है और किस संस्था ने इतने अच्छे ढंग से इसको पैक करवाया। हमने कहा नहीं, हमें तो सिखाया लेकिन किसी ने किया नहीं, ये खुद महिलाओं ने पैकिंग किया है, खुद इसकी ग्रेडिंग की है और खुद इसे बिकाने के लिए स्वरोजगार होने के लिए यहाँ पे आई है। महिला होकर घर से बाहर अपना स्वरोजगार के लिए फिट हो सकती है। उनको एग्जीबिशंस में स्वयं जाके सेल किया, बेचा, वहाँ जो पैसे आए उन्होंने फिर अपने खाते में जमा कराए और फिर वहाँ से उन्होंने आपस में उसे प्रत्येक बेनिफिशरी को बांटा। अभी इस पूरे प्रोसेस में सेवा का एक रोल था फैसिलिटेशन और ओवरव्यू का। कि सेवा इंटरनेशनल शायद उत्तराखंड की अभी इकलौती संस्था है जो आज के डेट में लगभग 70 SHG 60 गांव में, जिससे लगभग 1000 लोग जुड़े हैं, उन्हें विधिवत सही ढंग से एक आदर्श तरीके से जैसे चलाना चाहिए वैसे चला रहे हैं और डे ऑन डे बेसिस पे उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नमस्ते। सेवा संवाद के आज इस तीसरे अंक में, जिसका विषय डॉटर्स ऑफ भारत एम्पावरिंग स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम छत्तीसगढ़ है, भारत की बेटियां, जिसमें हम भारत के बदलते तस्वीर में उनकी भूमिका के विषय में बात कर रहे हैं, मुझे अत्यंत खुशी है। कुल वसन भाई जी हमारे साथ है। जैसा कि आप जानते हैं, सेवा इंटरनेशनल का संकल्प है वैश्विक स्तर पे सेवा ही परमो धर्म के भाव से नर सेवा और समुदायों के बीच में जो भी अंत्योदय है, समाज के आखिरी वर्ग से आते हैं, उनके उत्थान, उनके सशक्तिकरण और उनके संवर्धित विकास पे कार्य करना। आज का जो विषय है व्यक्तिगत रूप से भी हमारे लिए अत्यंत ही एक भावनात्मक जुड़ाव है, हमारे कार्य का एक अभिंग हिस्सा रहा है, अंग रहा है। समुदाय में जाना, स्व से सह तक जाना और सह से सम तक जाना, फ्रॉम सेल्फ टू सोसाइटी, फ्रॉम सोसाइटी टू सस्टेनेबिलिटी, और इसी ध्येय से जो पूरा का पूरा देश में स्वयं सहायता समूह का अभियान रहा, जो भी मूवमेंट रही, महिलाओं की एक अग्रणी भूमिका रही और समुदाय आधारित आजीविका के बजाय ये समुदाय आधारित जीवन, जो भी इस कॉल लाइव होने से पहले भी फुलबसन भाई जी कह रही थी कि हमें तो जीना आता है, इस पूरे विषय को किस प्रकार से इस पूरे अभियान ने और फूलबसन भाई जी जैसे सामाजिक लीडर्स ने जोड़ा है, हम भी उसके एक बड़े ही हम्बल से, बड़े ही छोटे से एक फॉलोअर है, अनुयायी है या जमीन पे कार्य करने वाले संगठन है। तो आज मेरा सौभाग्य है इस विषय पे हम सभी फूलबसन भाई जी को, उनकी हिम्मत को, उनकी कार्य निष्ठा को देखने समझने के लिए उपस्थित है और इस पूरे विषय में उनका जो अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंसेज है, हम सभी अपने जीवन में अपने हिस्से का इंस्पिरेशन लेके, प्रेरणा लेके और कहीं ना कहीं समाज को बेहतर बनाने में अपनी सहभागिता देंगे, ऐसी मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और मैं भी इस सत्र से काफी कुछ सीखूं, ऐसी अपेक्षा है। आगे मैं डॉक्टर नुमेश जी से आग्रह करूंगा कि फूलबसन भाई जी का विधिवत स्वागत करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद अभिषेक जी, आपका अच्छा आपने भूमिका बांधी है हमारे विषय के बारे में।
विषय मैं बहुत अधिक अपनी तरफ से नहीं बोलते हुए अधिकांश समय कुलभूषण भाई जी ही बोले ऐसा प्रयत्न करूंगा, और उसी के चलते सिर्फ एक लाइन कुलभूषण भाई जी का एक विधिवत परिचय देने से पहले बोलना चाहूंगा, और वो ये है कि यदि आज के भारत में कोई एक ऐसी महिला है जिनको मैंने अभी तक प्रत्यक्ष सुना नहीं है तो वो फूलभूषण भाई यादव हैं, और मेरी आज उनके सामने देख करके मेरी इच्छा पूर्ण हुई, इसलिए सेवा इंटरनेशनल की टीम का और फूलभूषण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है फूलभूषण भाई जी, और मेरी व्यक्तिगत एक बहुत बड़ी इच्छा आज पूर्ण होने जा रही है। फॉर दोज इन इंग्लिश आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट कैन बी सेड अबाउट फूलभूषण भाई यादव एंड आई विल ऑफ कोर्स डू अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, बट फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, if there is one woman in our country who I have not heard yet but would like to hear, it would have to be Phulbasan Bhai Yadavji. So that is the person that we have in front of us today. Ek vidhivat parichay ke nate Phulbasan Bhai ji, वैसे तो आपके नाम जो भी थोड़ा बहुत भी सेवा में या समाज से जुड़े रहने में रुचि रखते हैं उनके सामने आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के नाते ही सही एक परिचय मैं आपका देना चाहूंगा। Phulbasan Bhai ji एक स्कूल ड्रॉप आउट है, स्कूल से पूर्ण शिक्षा होने से पहले फूलभूषण भाई जी निकल गए थे, उसकी जो भी कहानी होगी शायद उस पर थोड़ा प्रकाश फूलभूषण भाई जी आज डालेंगे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, और उल्लेखनीय एक बहुत छोटा शब्द है, जो उन्होंने किया है उसको कुछ शब्दों में बांधना इतनी हमारी क्षमता नहीं है। मात्र 11 महिलाओं के साथ शुरू हुआ ये यात्रा अब 12,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक पहुंच गया है। इस पूरे में लगभग 2,00,000 से अधिक सदस्य हैं। उनके अथक प्रयासों से 625 गांव में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण करीब 2,800 बच्चों को गोद में लिया गया है, और ऐसे कई सारे आंकड़े हैं। आंकड़ों के साथ फूलभूषण भाई जी मेरी समस्या यह है कि ये बड़े बड़े आंकड़ों का उल्लेख करके जो उनके पीछे का मर्म है वो कभी कभी हम भूल जाते हैं। 625 गांव सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन हर गांव में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाना वो कितनी बड़ी यात्रा आपके लिए रही होगी इसका अनुमान कम से कम मैं लगा सकता हूँ। वैसे ही 2,800 बच्चे, एक बच्चे को भी यदि आवश्यकता होने पर जो उसको पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2,800 बच्चे मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई। 2012 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके प्रयासों के लिए भारत सरकार ने उन्हें और कई सारे पुरस्कार दिए हैं, स्त्री शक्ति पुरस्कार, SR जिंदल पुरस्कार, भगवान महावीर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडिया प्राइड अवार्ड, सूर्यदत्त अवार्ड, आमोदिनी अवार्ड, सुदुरु अवार्ड इत्यादि इत्यादि। फूलभूषण भाई जी का काम देश की अनगणित महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, मुझे जो परिचय आपका बताया फूलभूषण भाई जी उसमें वो पुरुष लिखना भूल गए, ये हम सभी को लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। फूलभूषण भाई जी की नेतृत्व कुशलता, काम के प्रति समर्पण व निष्ठा और प्रेरक व्यक्तित्व एक महिला के नाते और एक भारतीय महिला के नाते, उनका मिशन बहुत अच्छी ऊंचाइयों को पहुंच पाया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें फूलभूषण भाई जी का चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तहत ही सही सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम आपको सुनने को बहुत बेताब हैं फूलभूषण भाई जी। एवरीबडी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इन योर ओन माइंड्स इन योर ओन हार्ट वेलकम फूलभूषण भाई जी। फूलभूषण भाई जी आपका विवेचन। फूलभूषण भाई जी आप शुरू करें। जी जी जी, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार, जय जोहार। सेवा संघ समिति के सभी भाइयों को और सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हाँ कुछ अपने काम अपने जो बात है उसको बताने का मिला, उसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका। जिंदगी में कहते हैं कि मन में ढेर इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं के प्रति विश्वास हो जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है।
हम बोलते हैं कि बहुत जिंदगी बहुत मुश्किल है और जिसमें समाज पड़ोसी सभी लोग हमको एक बांध के रखना चाहते हैं, डर आके ही रखना चाहते हैं कि ये डर 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 कोई हथियार दिया जाए समाज की जो है महिलाओं का जो बहुत सारे जो है उसको हम हथियार के चले तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मेरे परिवार के सामने 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और भी महिलाएं हैं जो बिना पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी तो नहीं है और अपने घर तक सीमित एक घूंट में रहने वाली हेलो भैया। हेलो हाँ जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, शायद इंटरनेट का है समस्या ये। अच्छा जी 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 हाँ, पर आप कट 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 जा रही है। हाँ आप बोलिए फुलबासन भाई जी, इसका कुछ नहीं कर सकते, आप बोलिए। तो मैं कभी सोची नहीं थी, एक कभी नहीं सोची थी कि मैं राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ, हवाई जहाज में उड़ा सकती हूँ, या देश विदेश में पहचान होगा, क्योंकि जिंदगी में ना नाम से इंसान बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन नाम में कुछ नहीं होता, उसके लिए कर्म करना पड़ता। हम अपने परमात्मा के घर से 2 चीज लेके आते हैं, पहले भाग्य और दूसरा है कर्म। भाग्य लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं भगवान के घर, और जिंदगी में कर्म ही पूजा है, कर्म ही चीज है, और कर्म से ही हम अपना नाम, अपने परिवार, अपने समाज को एक अलग परिवर्तन दे सकते हैं। और मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं स्व सहायता समूह क्या है, संगठन क्या है, क्योंकि मेरे लिए घर में बैठे हुए गांव में रहती तो ये मेरे लिए कुछ काम ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन मजदूरी, गरीबी, समाज के अत्याचार, अज्ञानता ही मेरे को यहाँ तक लाया। मैं बचपन से 7 साल की उम्र से गरीबी को देखती, अब वो गरीबी देखी हूँ कि माँ बाप के घर खाली झोपड़ी था, झोपड़ी में कब्बसी धोने का काम करते थे, बस चाय का दुकान था माँ बाप के घर। हम 5 बहन 2 भाई थे और मैं 7 साल की उम्र की थी और बाकी 2 भाई बहन मेरे बड़े थे और छोटे छोटे और भाई बहन। लंबा बड़ा परिवार था लेकिन खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं था, 2 दिन 4 दिन भूखा रहना पड़ता था, कई दिन 1 दिन 2 दिन माँ बाप को ही भूख लगता था तो बोलते थे कि माँ हमको खाना दो। माँ बोलती थी कि बेटा सो जा, आज अभी शाम को सो जा, सुबह गरम गरम बना के देंगे। फिर सुबह भूख लगता था, फिर चिल्ला चिल्ला के रोते थे कि माँ हमको खाना दो, लेकिन माँ रोते हुए बोलती थी ले बेटा अभी मैं तुरंत लाते हूँ आप लोग के लिए, करके शाम तक लकड़ी बीनने के लिए जाती थी। दुकान में देखती थी कम से कम 2 पैसा मेरे यहाँ कमा आ जाए जिससे मैं अपने बच्चों को चावल खिला सकूं, थोड़ा पेज बना के खिला सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि सबका माँ बाप होता है, गरीबी गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। बचपन से ये चीज देखती थी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, साड़ी को इसी लपेड़ देते थे, पाँव में न चप्पल नहीं था। और वहाँ होटल में, होटल के पीछे में ही छोटा सा स्कूल था जिसमें 5वीं 7वीं के बच्चे लोग पढ़ते थे। मैं देखती थी माँ बाप को रोते हुए शाम के समय एक कोना में बैठ के रोते थे कि क्या करें, बच्चे लोग भूखे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे माँ क्या कर सके। बाकी भाई बहन को तो समझ नहीं आता था लेकिन मेरे समझ में आता था कि आज कहीं कहीं माँ बाप को खाना नहीं मिल, कहीं भी चावल नहीं दिया, इसलिए आपके साथ माँ बाप रो। और ये सोच के मेरे मन में लगा कि वहां जो होटल में चाय पीने के लिए आते थे तो स्कूल के सर लोग आते थे, गुरुजी प्राचार्य लोग आते थे, उनके जेब में मैं पेन देखती थी और उसके साथ में मैं बहुत सारा चिल्लर पैसा देखती थी। मेरा मन लगा कि जो इंसान पढ़ते लिखते हैं ना उन लोग बहुत पैसा कमाते,
ये दिमाग में सोची कि मैं मेरे को भी पढ़ना चाहिए। एक दिन दो दिन फिर स्कूल में दौड़ते हुए जाती थी कि मेरे को पढ़ा दो ना सर। सर बोलते थे जा पहले अपने माँ बाप की बुला के ला, क्योंकि यहाँ स्कूल में बच्चे लोग ड्रेस में रहते थे और मोजा जूता लगा के जैसे बस्तर लगा के जाते थे ना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे पहाड़ा, तो मेरा मन इतना व्याकुल हो जाता था कि मैं क्या करूं। होटल के पीछे में पन्ना को ले लेके सब पन्ना को उठाती थी और उसे पुस्तक की तरह बना के ना उसमें झूल झूल के पढ़ते रहती थी होटल के पीछे में, क्योंकि मेरा मन कब्बे से धोने में नहीं लगता था। शायद मेरे को लगता था कोई भी मेरे को आग पढ़ा दे। ये 27-28 साल के पहले की बात है। एक दिन दो दिन तीन दिन बार बार जाती थी स्कूल में, डांट पड़ता था कि तू पहले कपड़ा तो पहन के आ, तू पुस्तक लेके तो आ। ये सोच सोच के फिर वही ड्राइवर कंडक्टर लोग आते थे तो उन लोग को भी लगता था कि उनके भी जेब में मैं पैसा देती थी। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा दुख लगता था। कई बार मैं होटल में होटल से दौड़ते हुए जाती थी स्कूल में, वहाँ बच्चे लोग को किचन में देखते हुए मेरा मन लगा कि देख बच्चे लोग एक साथ बढ़िया पढ़ते लिखते हैं खेलते हैं। मेरा मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया। एक दिन की बात है, पानी ऐसे गिर रहा था जुलाई अगस्त में, नया नया बच्चे लोग कपड़ा पहने थे। अब उस समय मैं बच्चे लोग को देख के मेरा मन इतना व्याकुल हुआ और मैं अपने पिताजी को जाके हाथ पकड़ के बोलती हूँ कि पिताजी मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है। मेरे पिताजी बोले कि बेटा हम लोग गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो कहाँ पढ़ाएंगे, ये बड़े लोग का काम है, हम लोग गरीब हैं। उस दिन मेरे को लगा कि गरीब इस इंसान को बोलते हैं जिसके घर में दो वक्त की रोटी नहीं है। चिल्ला चिल्ला के रोते गए कि नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है। माँ के पास गए कि माँ मेरे को पढ़ना है, स्कूल जाना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ भी बोलती है कि तू बेटी है पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकना है, ससुराल जाएगी, दूसरे घर की धन है, दूसरे घर गैया बकरी चराएगी तू, ये बड़े लोग का काम है, बेटी पढ़ने के नाम मत ले। एक क्रेन की तरह लगा मेरे को। अब उस समय मैं ठान ली कि जिंदगी में जो बेटा काम करके नहीं दिखाए ना वो काम मैं करके दिखाऊंगी। ये 7 साल की उम्र का मेरा एक सपना था। जिंदगी में दिल से कोई सपना देखो तो पूरा होता ही है, इतना मैं मानती हूँ। और बार बार होटल में ही बैठे बैठे कहीं भी पेपर वेपर उठा के पढ़ते रहती थी। तो ड्राइवर कंडक्टर लोग मेरे को 5वीं कक्षा पढ़ाए, कोई 10 रुपया 5 रुपया मिलाया मेरे को। और ये लड़की हरदम कप से धोने में मन नहीं लगता, इसको चलो सब मिल के पढ़ाते हैं, उन लोग पढ़ाए। अब देखते ही देखते मेरा शादी 10 साल में कर दिए, शादी 10 साल में हुआ और 13 साल के बीच में ससुराल आ गई। ससुराल कि मतलब मैं नहीं समझ रही थी, क्योंकि एक छोटे उम्र में किशोरी एकदम छोटे उम्र में की और मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे कहाँ भेज रहे हैं। मेरे माँ बाप को यही लगता था कि कम से कम हम लोग दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो कम से कम वहां जाएगी तो दो वक्त की रोटी खाए, ये मेरा माँ बाप का कहना था। और उसी में मैं यहाँ भी आई तो यहाँ भी गाय बकरी का काम चलता था, गाय बकरी चराते थे। कई दिन यहाँ भी ऐसी स्थिति होता था कि भी दो वक्त का रोटी नहीं मिलता था, खाने को ना दाना, ना पहनने को कपड़ा, ना पैर में चप्पल। एक दिन दो दिन तीन दिन तड़पते हुए इस समाज में जिंदगी जी हूँ। कई बार ऐसे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ या अपने बच्चे को मार डालूँ। दो बच्चे, दो लड़का दो लड़की थे, छोटा लड़का 1.5 साल का था, बड़ी लड़की 7.5 साल की थी, और लड़की थी। और ये सोच के मैं कई बार ऐसे लगा कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या करूं, क्योंकि मैं गांव में गली में घूमती थी कि कम से कम मेरे बच्चे लोग एक दिन दो दिन तीन दिन से भूखे हैं, चावल तो दे दो। किसी को दया नहीं लगता था, बस मजाक उड़ाते थे, यही बोलते थे देखो हमारे गांव की पागल आ गई है, पगड़ी आ गई है, या कई प्रकार के गलत शब्द का उपयोग करते थे उन लोग। उनको लगता था कि ये बार बार मांगते हैं, क्योंकि सबका होता है माँ बाप, गरीब को कोई संगी साथी, कोई परिवार, कोई संगी दोस्त साथी या कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई साथ नहीं देते। मैं लगभग 20 साल तक देखी हूँ। कई दिन ऐसे हुआ, कई दिन एक नमक मिर्च के लिए और चावल के दाना नहीं मिलता था, चावल की मार के लिए भी लगता था कम से कम चावल का मार तो मिल जाए, लेकिन देना भी उन लोग को अच्छा नहीं लगता था, बस हंसी उड़ाते थे। गली गली में घूमती थी चावल तो दे। और ये सब देख के लगा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन बच्चे लोग मेरा आँख खोले और लगा कि
हमको नहीं मरना है, हमको जीना है, हम जिंदगी जीना चाहते हैं। बच्चे लोग का तकलीफ देखी हूँ तो मेरे को लगा कि बाप रे मैं कितना बड़ी गलती कर रही थी। आज मैं खुद मर रही हूँ, बच्चे लोग को मार रही हूँ, लेकिन दुनिया में क्या ऐसे गरीब माँ बाप हैं, उन लोग भी तड़पते होंगे, उनका भी आत्मा क्या कहता होगा। उस दिन सोच ली कि मैं अपने लिए जिंदगी नहीं जीती, समाज के लिए जिंदगी जूंगी। और 11 पूरे महिलाओं को, मैं 11 महिलाओं को घर आई सीधा और घर में आके 11 महिलाओं को जोड़ी। और जैसे 11 महिलाओं को जोड़ी तो पूरे गांव में विरोध होने लगा। गांव वाले को लगा कि ये क्या कर रही है, क्योंकि गांव से बाहर निकलना एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा था कि गांव की महिला बहू है, क्या करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। हम लोग गांव में गाय बकरी चराते थे और वही घर से चराते हुए मैं समिति से तैयार की तो पूरा गांव विरोध करने लगे। खाने को ना इतना विरोध किए कि इनको पानी भरना बंद करो, दुकान में सामान देना या बातचीत मत करो, गांव से अलग करो, कई प्रकार की उन लोग का बात सुनती थी। मेरा मन लगा कि नहीं, मैं इनके साथ झगड़ा करूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि जिंदगी में जो आदमी कुछ करता है उसी का बात होता है। मैं इसलिए अपने मन में सीधे ठान ली कि मेरे को कुछ करना है समाज के लिए, और समाज में वैसी गरीब महिलाओं को जोड़ूंगी जो महिलाएं कुछ परिवार अपना परिवार में शांति से रहे, वक्त की रोटी कमा सके, आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बन के वो 2 पैसा कमा सके। और 11 महिलाओं को 2 रुपए पैसा और 2 मुट्ठी चावल से शुरू की। कभी समिति के बारे में नहीं सुनी थी, लेकिन 2 रुपए पैसा 2 मुट्ठी चावल इकट्ठा की 11 महिलाओं में, क्योंकि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो किसी में ताकत नहीं तोड़ सकी। एक झाड़ू है, जब गांठ बंधा रहता है तो सबको साफ कर सकता है, लेकिन झाड़ू कोई टूट गया है तो पूरा बिखर जाएगा, वो स्वयं कचरा बन जाता है। क्योंकि तो एक महिला है कचरा की तरह है घर में रह रहे के, लेकिन उसको हम एक मुट्ठी में बांध ले, एक गट्ठा की तरह लकड़ी को बांध ले तो बहुत कुछ किया जाता है। 2 रुपए पैसे 2 मुट्ठी से चावल को शुरू की तो जिनके घर में 2 वक्त तक रोटी नहीं था उनको हम लोग 3 किलो चावल देते थे। 2 रुपए पैसे एक महिला के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि एक हफ्ते में हम लोग 2 रुपए इकट्ठा करते थे और महीने में 10 रुपया इकट्ठा होता था। और धीरे 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 110 रुपया होता था। 110 रुपया में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाना ही हमारा सबसे पहले कर्तव्य था, और जो बीमार है उसका इलाज करा सके, ये नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा काम होगा। धीरे धीरे हमारा काम शुरू हुआ तो गाँव इतना विरोध, 3-4 दिन बैठाते थे। हम लोग पहले गाँव में साफ सफाई शुरू किए, स्वच्छता में ध्यान दिए 2001 में जुड़ा, और तालाब नल बोरिंग वृक्षारोपण करना, स्वास्थ्य शिविर लगाना और रक्तदान, स्वयं महिला रक्तदान हम लोग किए हैं। धीरे धीरे हमारा काम देखे और माचिस के तिली से चावल इकट्ठा करके हम लोग बाल भोज शुरू किए। उस बाल भोज में जो बच्चे कुपोषित, इतना अच्छा काम कर रहे महिलाएं तो उन लोग 15 अगस्त को झंडा फहराने का मौका मिला। जो आदमी हमारे खिलाफ चिल्लाते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, कई प्रकार के हम लोग को गलत गलत शब्द का उपयोग करते थे, और उसमें हम लोग को लगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए। हमारा क्या कर्तव्य है अपने लिए, अपने समाज के लिए, इसमें ध्यान दिए। और धीरे धीरे हम रक्तदान शिविर में कई महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, बच्चे को टीकाकरण, और पूरा स्वास्थ्य के जानकारी, शिक्षा में पढ़ाना, स्वच्छता में, गांव में साफ सफाई करना, रोजगार, छोटे छोटे चना मुर्रा का दुकान खोलना, महिलाओं को 200-300 रुपया में हम लोग चना मुर्रा का दुकान खोल के स्कूल के सामने में बैठ जाते थे। चौथा काम था कि नशा मुक्त गाँव हो, समाज हो, सबसे पीड़ित जो महिलाएं हो नशा से हुई पीड़ित रहती हैं। तो ये 5 मुद्दा को लेके हम लोग सामने काम किए तो गांव में लगा कि अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो 15 अगस्त को झंडा फहराने का मौका मिला, उस दिन मैं तो इतना खुश हो गई कि कम से कम अब मेरे गांव वाले लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसलिए कई बार ऐसे होता था कि 2-4 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, परेशान हो जाते थे, कई महिलाओं को के साथ मार पीट
गाली गलोच बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, लेकिन हम लोग संकल्पित हो गए थे कि हमको कुछ करना है समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। क्योंकि आज के मान लो मैं हार के बैठ जाती, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण और भुखमरी के कारण मान लो बैठ जाती, तो मेरे जैसे कई गरीब माँ हैं वो भी ऐसी जिंदगी देखती हैं जो मैं जिंदगी जी रही थी। इसलिए मैं अपना तकलीफ को मैं हथियार बना के निकल गई और धीरे धीरे साइकिल चलाने सीखी, महिलाओं को कई हजार महिलाओं को साइकिल चलाने भी सिखाई। 25 से 30 किलोमीटर तक साइकिल से आना जाना होता था, पैर में चप्पल नहीं होने के कारण पैर में बड़ा बड़ा फोड़ा आ जाता था, एक साड़ी में 50 जगह गांठ बंधा रहता था, सुई में सील कैसे पहनते थे ये स्थिति था, खाने के दो वक्त की रोटी नहीं तो कहाँ, ये महिलाओं का जिंदगी स्थिति ऐसी था। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में कलेक्टर सर आए, दिनेश श्रीवास्तव सर जी, और मैं उस दिन रक्तदान कर रही थी महिलाओं के साथ। मैं बाहर में कलेक्टर नीचे में बैठ के देख रहे थे और मैं सामने में मंच में बोल रही थी। उस दिन लगा कि नहीं, मेरा इतना अच्छा काम हो, मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मैं सभी महिलाओं को जागृत कर रही हूँ, तो उसमें कलेक्टर सर भी एक गुरु के रूप में, भगवान के रूप में मेरे को मिले और प्रचार प्रसार के लिए बोले कि गुलबासन जी आपके गांव में जो समूह है पूरे जिले में बनना चाहिए। मेरे को ऐसे लगा कि मेरा बड़ा भाई मिल गया, मेरे को एक भगवान मिल गया और मैं काम शुरू की। पूरे गांव गांव में घूम घूम के आज मेरे पास 14,000 महिला स्व सहायता समूह है, 2 करोड़ से ज्यादा मेरे पास पैसा है महिलाओं के पास और लगभग 2 से 2.5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं 2001 से अभी तक। 2 करोड़ रुपया पैसे महिलाओं के साथ में, कई करोड़ रुपया पैसा आज हमारे खाते में, महिलाओं के खाते में काम है। हमारा मेन यही काम रहता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि महिला शिक्षित होगी तो घर गांव समाज शिक्षित होगा। सब लोग जानते हैं लेकिन सामने आना नहीं चाहते। 3 चीज उनके पास आता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमको क्या मिलेगा, समाज सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि जिंदगी में माँ ही है जो दुनिया में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा आता है कि दीदी हमारे पास समय नहीं है, मैं स्वयं 2:45 बजे रात से उठ के अपना काम करके ही मैं समाज सेवा करती हूँ और 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलती हूँ, योगा साधना करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ये शरीर है बहुत अमूल्य है, क्योंकि जितना दिन जीऊँ मैं समाज के लिए जिंदगी जीऊँ और मरूँ तो समाज के लिए मेरा ये देहदान मैं कर चुकी हूँ, जिससे मैं समाज में कुछ मरने के बाद भी कुछ कर सकूँ। तो धीरे धीरे हमारा काम बढ़ा और आज स्वयं सहायता समूह में ऐसे कोई काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर रही है। समूह में पूरे गांव में, एक गांव में 40-50 महिला समूह हैं, उसमें हम लोग ग्राम संगठन बनाए, ग्राम संगठन के बाद 5 गांव का सेक्टर बना, फिर 10 गांव का हमारा क्लस्टर, 5 गांव का क्लस्टर, 15 गांव का सेक्टर, फिर हमारा ब्लॉक बना और पूरे जिले में आज 2 से 2.5 लाख महिलाएं पूरा जुड़ी हुई हैं और अपने अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करके समाज सेवा भी कर रही हैं। इतने सारे महिलाएं हैं लेकिन कभी हम लोग सरकार से मांगे नहीं है, क्योंकि जिंदगी में मांगेंगे तो सर झुका के बात करना पड़ेगा। माँ तो राम को भी जन्म दी है, कृष्ण को जन्म दी है, दुनिया को बसाने वाली माँ है, तो हम क्यों भीख मांगे समाज और सरकार को। हम अपना कर्म करें और हम खुद आगे बढ़ें। और ये सोच के मैं अभी तक लगभग 22 साल से 1 रुपया बिना सरकार के मदद से हमारा काम चलता है। एक एक मुट्ठा चावल और पुराना साड़ी का भंडार रहता है और लाखों महिलाएं खाती हैं, लाखों महिलाएं उसमें आके सम्मिलित होती हैं। मेन काम हमारा ये है कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, शिक्षा के प्रति ध्यान देना, हर एक बेटियों को पढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो 2 कुल को तारेगी, बेटा तो 1 कुल को तारने वाले हैं, लेकिन बेटी में जो 6 गुण है बेटा में तो 4 गुण है। बेटी जिस दिन में ठान लेगी ना तो बड़ा से बड़ा काम कर सकती है और झांसी की रानी की तरह घर गांव समाज में अपना रूप दिखा सकती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं है, कमजोर हमारे अंदर है, वो हमारा डर है। हम डर को भगा देंगे ना तो किसी में ताकत नहीं कि कोई महिला को कोई हिला सके या किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो जाए। कहीं ना कहीं हम डरते हैं परिवार से, समाज से, इसलिए हमारे साथ ये अत्याचार होता है। और ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है, संगठन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज
नेता हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि नेता को तो ओट से मतलब, अधिकारी को नोट से मतलब, कौन किसका होता है। लेकिन महिलाएं जनता समाज है ना, तो जनता समाज है तो आज मुख्यमंत्री, संसद, विधायक और सरपंच है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मैं कभी राजनीति में पैर रखने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि जनता समाज में वो ताकत है जो हिला सकती है। आज राजनांदगांव जिला एक ऐसे जिला है कि किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई बलात्कार हुआ, उनका 6 महीने तक कोई केस नहीं आ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता, तो हम एक फोन करते हैं कि आप 5 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, आप 50,000 महिलाएं अंदर होने के लिए तैयार है, आप थाना खाली कर दो। ये नहीं कहते कि आपको लाना है, बस यही कहते हैं कि आप पूरा जितना भी थाना खाली कर दो, क्योंकि हमारा परिवार बहुत है, एक बेटी के लिए हम लोग सब अंदर होने के लिए तैयार है। तो तुरंत 2 घंटा में हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब कुछ भी चीज हो रहा है तो उनका पूरा हमारे, हमको एक सही, हमको सहयोग मिलता है। इसलिए संगठन में बहुत बड़ा ताकत है, स्वास्थ्य में, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वच्छता में। हम सरकार से कभी पैसा नहीं मांगे, 8-8 दिन में गांव शौच मुक्त हुआ। सरकार, भारत सरकार कहती है स्वच्छता मिशन भारत का एक बहुत बड़ा एक काम चल रहा है जिसमें हम सबका भला है, लेकिन शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने से होता है। हम लोग सोच बदले हैं, शौचालय बनाने के लिए नहीं बोले, लेकिन आज राजनांदगांव जिला ऐसे जिला है जो बिना सरकार के मदद से शौचालय का उपयोग हो रहा है, और कहीं बिगड़ भी गए ना उसको बनाते हैं, क्योंकि उनका सोच बदल गया। ऐसे ऐसे गांव हैं जो 8 दिन में पूरा गांव शौच मुक्त हुआ, जिसको कईयों साल तक लगा रहे हैं, कई महीना लग जाता है, लेकिन हम 8-10 दिन में शौच मुक्त गाँव बनाते हैं। महिला ही मिस्त्री का काम करती है, राजमिस्त्री का काम करके शौचालय बनाती है महिलाएं। रोजगार में अब समूह समूह नहीं रहा है, आज हमारे पास बिना सरकार के मदद से महिलाएं 100-100 रुपए जमा की और खुद का कंपनी बना है ऑर्गेनिक खाद का। उस ऑर्गेनिक खाद में 1400 महिलाएं जुड़ी हैं और 80-85 टाका हमारे कंपनी में है, और सभी महिलाओं के घर में 4-4 टाका लगा है। वो 4 टाके में उन लोग ऑर्गेनिक खेती करती हैं, धान चावल जो भी है, सब्जी भाजी लगाती हैं, वो अपने शरीर का भी एक ध्यान रखती हैं, और सामने में वो खाद को भी बेचती है कंपनी को। आज हमारा खाद राजनांदगांव जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ तक अलग अलग जगह हम लोग कंपनी में हमारा खाद बिकता है। और जो भगवान में फूल चढ़ाते हैं, उस फूल को हम लोग तालाब में फेंक देते हैं, ठंडा कर देते हैं, प्रदूषण करते हैं। उसमें मैं एक दिमाग लगाई और उसमें फूल को सुखा के अगरबत्ती बनाने का काम शुरू की। आज बड़े रूप में हमारा अगरबत्ती बिकता है, और वो भी आस्था के फूल के नाम से, क्योंकि भगवान में हम आस्था से फूल चढ़ाते हैं, उसको हम लोग ठंडा करते हैं, उसी फूल को ठंडा करके हम लोग उसमें अगरबत्ती बना के बेचते हैं, हमारा रोजगार उसमें अच्छा चल रहा है। जिमीकंद होता है जो सुरंग कांदा बोलते हैं, लगभग 4-5 करोड़ रुपया पैसा हम लोग कमाए हैं उसमें। हर घर घर में जिमीकंद, जहां बंजर जमीन था, आदमी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो बंजर जमीन था उसमें हम लोग जिमीकंद का काम शुरू किए, और जिमीकंद इतना बढ़ा कि हम 5 करोड़ तक हमारा आमदनी बढ़ गया उसमें। उसमें ना खाद डालने का लगता है, ना कुछ करना पड़ता है, ना गाय पशु नुकसान करता है, उस जिमीकंद को शुरू किए। तीसरा काम है डेयरी है, 18 महिलाओं से शुरू की थी, 2-2 गाय को लेके आज 25 गांव में डेयरी का काम हो रहा है, जो अमेरिका के एमजी मोटर्स वाले हैं, जिन लोग, हाँ उन लोग आके देख रहे हैं कि इतना बड़ा काम बिना पैसे, बिना सरकार के मदद से कैसे हो रहा है। वो लगभग 25 लाख का मशीन भी लगा चुके हैं हम लोग, और हम लोग ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक दही, ऑर्गेनिक पेड़ा, ऑर्गेनिक जो भी हमारा उस सामान बनता है, पनीर, तो ये सब चीज हम लोग शुरू किए, जिसमें 25 गांव की गरीब महिलाएं हैं, जिन लोग, जिनके पास 10 किलो से शुरू किए थे, आज 70-80 किलो हमारी सरकार ले रही है। देवभोग जहाँ है छत्तीसगढ़ में, ट्रक में देवभोग में हमारा दूध जा रहा है। सीताफल का आइसक्रीम बनाती है महिलाएं, जंगल में हमारे यहाँ सीताफल बहुत है, सीताफल को इकट्ठा किए और सोसाइटी बनाए हैं 750 महिलाएं। उस सोसाइटी के महिलाएं भी 24-25 लाख की मशीन खरीद के सीताफल का बल्ब निकाल के आइसक्रीम तैयार करती हैं। चौथा काम है कि महिलाएं वन उपज में काम करती हैं, जितना भी वन उपज है उसमें अभी हमारा अचार, बड़ी, पापड़, जो
gaonwale.com के नाम से, गांव वाले के, गांव वाली के नाम से हमारा ब्रांड तैयार हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अचार बड़ी पापड़ जो सामान जा रहा है, और 500 गरीब महिला किसान है, एक एक एकड़ में उनको ऑर्गेनिक खेती शुरू किए। आज उन लोग के पास फलदार पेड़ है और सब्जी भी है जो ऑर्गेनिक से होता है, जिसमें हम लोग हल्दी, धनिया, मिर्ची, प्याज, चावल, दाल सब कुछ उपज करते हैं, और उसको हमको बहुत अच्छा आमदनी हो रहा है, जिसको हम लोग 70 से 75 रुपये किलो के हिसाब से चावल को बेच रहे हैं, जो 20-25 रुपये में बिकता था, तो ये हमारा आमदनी हुआ। और एक सबसे बड़ा काम है वो है आज के स्थिति में गांव में देखो या कहीं भी जाओ तो दानव ही दानव नजर आ रहा है, वो है नशा। नशा इतना बढ़ चुका है, शराब शराबी इतना बढ़ चुका है कि महिलाएं गली में चलना दुर्लभ है। इसलिए हम लोग महिला फौज के नाम से गुलाबी फौज के नाम से बनाए हैं। उस गुलाबी फौज में महिलाएं लकड़ी लेके 40 से 50 महिलाएं डेली 3 घंटा घूमती हैं, और वो महिलाएं सिटी बजाती हैं, लकड़ी लेती हैं, टोपी लगाती हैं, और जैसे निकलती हैं तो वैसे पीने वाले का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो छोड़ती नहीं है, चाहे पति हो चाहे जेठ हो, परिवार हो, किसी को नहीं छोड़ती। वो शराब पीने वाले हैं, हुल्लड़बाजी करने वाले हैं, या कोई महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ भी हो गया, पहले गांव में बैठा के उनको एक बार दो बार समझाएंगे, नहीं मानेंगे, सीधा फिर उसको थाना तक पहुंचाते हैं। ट्रक ट्रक शराब भी पकड़ते हैं हम लोग, 4 बजे रात से उठ के पहाड़ी में छापामारी करते हैं, जंगल में छापामारी करते हैं, जिससे जितना भी शराब मिलता है उसको हम लोग आग लगा देते हैं, उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि आज बुलाएंगे तो पहले खबर मिल जाता है हमको शराब नहीं मिलता, इसलिए पहले हम लोग सब काम कर लेते हैं, उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं कि एक ट्रक शराब पकड़ाया है, आप आइए, स्वागत है आपका, क्योंकि जनता समाज से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हम चाहे तो घर गांव समाज बदल सकते हैं, बस मन में दिन इच्छा शक्ति लगन बहुत जरूरी है। मैं कभी सोची तो नहीं थी, लेकिन आज 2001 से अभी तक मेरे खुद नहीं पता कितना सारा सम्मान मिला, जिसमें सोना चांदी डायमंड हीरा और लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया पैसा मिला है। लेकिन आज मैं अपने घर में बकरी का काम करती हूँ, डेयरी का काम करती हूँ, और गाय बकरी चरा के ही, मेरे पति आज भी गाय बकरी चराते हैं, उससे हम लोग हमारा घर चलता है, और उस मैं जो भी मेरे को मिला पूरा पैसे को मैं अपना फेडरेशन में दान कर दी हूँ, लगाई हूँ। अभी बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, कौन बनेगा करोड़पति से 50 लाख जीत के भी आई हूँ अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठ के, और उस पैसे को भी मैं चाहती हूँ कि विदेश में ले जाके जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाऊँ। मेरा सपना था कि मैं बहुत पढ़ूँ लिखूँ, अंग्रेजी में बोलना सीख लूँ, लेकिन स्थिति इतना नाजुक था, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई, मन में कहीं ना कहीं खटक रहता है, तो मेरा सपना पूरा करना चाहती हूँ कि हर बच्चियों को मैं पढ़ा लिखा के उनको एक आत्मनिर्भर बनाऊँ, और महिलाएं जो है अपना लीडर हो के जिंदगी जिए, और जो भी महिलाएं आप जितनी भी महिलाएं हो, महिलाओं को एक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, महिलाएं ट्रेनिंग देगी, सीखेंगी और सामान बनाएगी और खुद जिंदगी जिएंगी, क्योंकि आज कोई पति के मारे परेशान है, कोई सास ससुर से परेशान है, पूरे देश से फोन आता है कि दीदी आपका आश्रम कब बनेगा। मैं बहुत जल्दी आश्रम मेरा बन रहा है, अभी मछली पालन भी शुरू की हूँ, उसमें ऑर्गेनिक साग सब्जी पूरा रहेगा, और पूरे देश की महिलाएं जो दुखी है, तकलीफ है, उसको मैं अपने साथ में रख के, मैं उनके साथ में रह के उनको जिंदगी जीने के लिए सिखाऊंगी, क्योंकि इसके लिए दुख सुख का साथी एक ना एक को बनना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के सामने में हमको ऐसी लगता है कि कांटों भरे जिंदगी जी जी के हम लोग आज एक ग्रुप बने हैं गुलाब की पंखुड़ी की तरह, और जो खुशबू है वो हमारा काम है। इसलिए चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी आखिरी समय में हम हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ के ही हम मरे, और मरने के बाद जो भी ये शरीर है वो समाज में आए। तो ये मेरा काम था, और अभी लकड़ी चलाने सिखा ली हूँ, तलवारबाजी कराने सिखा रही हूँ महिलाओं को, क्योंकि आत्मनिर्भर बने महिलाएं, बेटियां आत्मनिर्भर बने। आज घर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, गली में सुरक्षित नहीं है, सरकार मदद कर नहीं रही है, ना घर परिवार लोग दिन और रात तो बेटी के साथ में नहीं रह सकती, बेटी खुद इतना ताकतवर हो जाए जो अपना सुरक्षा खुद कर सके,
इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के मैं महिलाओं को दबंग दीदी के नाम से तैयार कर रही हूँ, और वो लकड़ियां चलाएंगी और अपने आप को बचाएंगी और घर घर को, गांव को, समाज को बचाएगी। ये मेरा काम है, क्योंकि मेरा जन्म मेरे बेटी और बेटा में ही नहीं है, इतना बड़ा मेरा परिवार है। एक छत्तीसगढ़ की बेटी होए के नाता मेरा कर्तव्य है कि मैं जिंदगी जीऊं तो अपने देश के लिए, और मरूं तो अपने देश के लिए। जुनून है, और मैं तो मेरे जुनून में मैं क्या बताऊं, को रात में भी नींद नहीं आता, मेरे को सीट नजर आता है, जब शौचालय बनाना है तो मेरे सीट के सिवाय कुछ नहीं दिखता। किसी महिलाओं गांव को जगाना है तो गांव के सिवाय दूसरा दिखता नहीं, सोने भी नहीं देता ये जुनून। और जिंदगी में ऐसे जुनून इंसान को होना चाहिए। मैं कभी पैसे के लिए काम नहीं करती, ना पद्मश्री सम्मान या बड़ा बड़ा सम्मान के लिए कभी सोची नहीं थी। लेना बहुत बड़ी बात है, उसको निभाना उससे बड़ी बात होता है। इसलिए मैं वो सम्मान का मैं सम्मान करती हूँ और उसको चार गुना काम करके दिखाती हूँ। जिस दिन मैं ये सम्मान लेने के लिए पद्मश्री सम्मान लेके हाथ पकड़ के अपने बहनों को ले जाऊंगी ना, उस दिन बोलूंगी कि मेरा काम बहुत अच्छा है। आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता कि मैं एक छोटा सा पौधा ही हूँ, मेरे को वृक्ष बनना है, जिस वृक्ष में हम सभी बहनें भारत के एक साथ बैठ के जिंदगी जी सके और अपने परिवार को जिंदगी जीने के लिए सिखा सके। ये मेरा काम था। छोटा सा समय है तो दिन रात हम लोग का ट्रेनिंग चलता है, पूरे डेली 2-4 गाड़ी बस आती है, गांव की पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं देखने आती हैं, ट्रेनिंग लेने आती है। यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, पूरे भारत की अलग अलग जगह, इरमा के बच्चे लोग यहीं पढ़ते हैं 1.5 महीने रह के, पूरे दिल्ली के बच्चे, गुजरात के बच्चे, सूरत के बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते रहती हूँ। और जो मेरा अनुभव है, क्योंकि पढ़ना लिखना तो नहीं आता, जिंदगी जीना कैसे है, और एक जड़ कहाँ से तैयार होगा जो वृक्ष हरा भरा होगा, तो जड़ को पकड़ी हूँ मैं, और जड़ को ही पकड़ के ही मैं समाज में परिवर्तन करना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सभी का सहयोग रहे तो बहुत जल्दी ऐसे दिन आएगा जिसमें महिलाएं का एक अलग ही बोलचाल रहेगा। और ऐसी बात नहीं है कि महिला ही सब कुछ करेगी, गाड़ी में दो पहिया होता है, दो पहिया से गाड़ी चलता है। अब मेरे भाई हो, आप हो, तभी हम लोग यहाँ तक बैठे हैं। शायद आप लोग नहीं यहाँ पे नहीं बैठते तो हम भी नहीं बैठ पाते। तो ये जिंदगी का परिवर्तन है, भाई बहन हम सब मिल के एक परिवार बन के समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा हथियार है स्वयं सहायता समूह, ये बहुत बड़ा हथियार है। महिला स्वयं सहायता समूह में वो ताकत है जो कभी सोचे नहीं थे, वो काम हम लोग कर सकते हैं। बस जुनून और निडर होके रहना है। धन्यवाद, आप सब मान सम्मान दिए, सुने मेरे बात को, तो इतना समय तक झेले हो, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बहुत 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 आभार कुलभूषण भाई जी। मैं अपने शुरुआत के परिचय में ये बोलना भूल गया कि आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसके साथ क्यों कर रहे हैं ये भी बताएं। लेकिन आपने उसको बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे से एक कहानी के रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप बोल रहे थे, मैं नोट कर रहा था, कुछ कुछ प्रश्न मेरे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। उसके बाद हमें पहले से हमें जो जो ऑडियंस में जो बैठे हैं श्रोतागण जो हैं, उनके प्रश्न कुछ पूछना चाहेंगे। प्रश्न कुछ कुछ फुलभूषण भाई जी ऐसे हो सकते हैं जो आपको इतने ठीक ना लगे, जवाब देने में इतना आपको सुलभता ना हो, तो आप निसंकोच बता दीजिए ऐसा क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपने अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सबको सब किस प्रकार से उचित प्रश्न ही पूछे, ऐसा हो सकता है ना आता हो। मेरे भी प्रश्न यदि आपको आपको उचित ना लगे पूरा बताइए जी। तो मेरे मन में ये, आपने अपनी कहानी शुरू की बचपन से, और फिर धीरे धीरे विवाह, और उसके बाद आगे क्या क्या हुआ आपने बताया। आपके स्वयं व्यक्तिगत जीवन में बहुत, यानी आपको एक तरह से झेलना ही पड़ा बहुत समय तक, है ना। तो सामान्यतः जो जिस व्यक्ति को इतना कष्ट देखना पड़ता है, वो आगे जाकर के समाज के लिए काम करे ऐसा कठिन होता है, क्योंकि वो तो अपने ही व्यक्तिगत उसमें कलेश में से बाहर निकलना चाह रहा होता है। तो आपको ये समाज के लिए मुझे काम करना, ये एकदम से मुझे समझ में नहीं आया, ये प्रेरणा कहाँ से आई, ये अगर आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें तो सबके लिए बहुत अच्छा। जी मैं बता रही हूँ।
मैं जब बताई कि मैं आत्महत्या करने के लिए बच्चों को लेके जा रही थी, यहाँ से अपने गांव से 3 किलोमीटर ट्रेन चलती है, मई का महीना था, 3 मई का महीना था, मैं अपने बच्चे लोग को, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ कि मैं भूखे प्यासे रहना पड़ता था, तो उसमें मैं, चारों बच्चे मेरे साथ थे, जो मैं सबसे बड़ी बेटी थी 7 साल की थी और एक लड़की थी वो 4.5 साल की थी, तो दोनों बेटी समझदार हो गई थी। जब ट्रेन का आवाज आया ना तो बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको मरना नहीं है, हमको जीना है, हम आपको कभी भी खाना नहीं मांगेंगे। तो उस समय मेरे को लगा कि आज शायद मेरे बच्चे लोग इतना तड़प रहे हैं, मरना नहीं चाह रहे हैं, भूख लगे फिर भी हम नहीं मांगेंगे, शायद मेरे जैसे कई गरीब महिलाएं होंगी, उन लोग भी ऐसी भूख प्यासे में बच्चे लोग को सुलाते होंगे। ये यहीं से मेरा दिमाग अलग निकला कि क्यों ना मैं 11 महिलाओं को मान लो जोड़ लेती हूँ, तो 2-2 रुपया भी जमा करती हूँ पैसा, 2-2 मुट्ठी चावल जमा करूंगी, तो 2 मुट्ठी चावल से 1 महीने में 3 किलो चावल इकट्ठा होता था। तो वो मैं ये नहीं सोची थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगी, ये कहीं भी नहीं सोची थी, मेरा यही था कि 11 महिलाएं जुड़ के हम एक दूसरे की मदद करेंगे, जो गरीब महिलाएं मेरे जैसे जो गरीब महिलाएं ना उनको मैं जोड़ी, और जोड़ के 2-2 मुट्ठी चावल से हफ्ते में 2 मुट्ठा चावल, रोज 2 मुट्ठी चावल, जो चावल बनाते थे कोई महिलाएं उनका लेती थी, और 2 रुपये पैसा जो बाजार जाते थे उसमें 2 रुपये बचा के लाते थे, वो शुरू की। वो तो धीरे 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 महिलाएं जब 10-11 महिलाएं जुड़े तो कलेक्टर सर हमारे दिनेश श्रीवास्तव सर आए, बोले थे ये अच्छा काम है, इसको पूरे जिले में होना चाहिए, आपको पूरे गांव में भी बनाना चाहिए। मैं कभी नहीं सोची थी कि ये काम कर सकती हूँ, तो आज मैं उनको गुरु मानती हूँ, भगवान मानती हूँ। दिनेश श्रीवास्तव सर जी को लगा कि ये बहुत अच्छे है, 11-11 करके सभी महिलाओं को जोड़िए आप, इसलिए मैं इसमें आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे को भी लगा कि मेरे जैसे कई गरीब है, ये मेरा ये तो कभी आज भी कहीं नहीं लगता कि मैं इतना बड़ी हूँ, कभी भी मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ की हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है गरीब, हम एक हमारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसी लगता है, नहीं लगता। तो शायद प्रश्न आपको उत्तर मिल गया होगा। नहीं नहीं मिल गया, मिल गया, वो एकदम अच्छे से मिला। कभी कभी एक छोटी सी बात भी अगर हो जाती है लेकिन सही समय पे सही वातावरण में होती है तो उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। आप अब जो कहानी बता रहे थे आई थिंक एकदम समझ में आया। एक प्रश्न और था, ये जैसे हम सामान्यतः गांव से आसपास के लोगों से सहयोग नहीं मिला, लोगों ने विरोध ही किया ऐसा आपने बताया, लेकिन ऐसा करते करते कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी सहायता नहीं मिली। आपके साथ ऐसा हुआ कि सामान्यतः लोगों ने सहयोग नहीं किया लेकिन कुछ भी लोग ऐसे गांव में थे जिन्होंने थोड़ा सा आपको एक ऐसे प्रोत्साहन दिया होगा या कुछ सहायता की होगी, ऐसा था या कोई भी नहीं मिला गांव में शुरुआत में? नहीं, मैं सबसे पहले तो घर में ही विरोध हुआ वो सबसे ज्यादा जी, घर में इतना विरोध हुए, घर से बाहर में सोना पड़ता था, गीला कपड़ा में रहना पड़ता था, एक गिलास पानी नसीब नहीं होता था, क्योंकि कभी भी महिलाएं को आगे आना है, समाज कभी नहीं चाहेगी वो मेरी पत्नी घर से बाहर निकले, मेरे परिवार निकले, वो उनको लगता है कि अरे कहीं कुछ भी कर पाएगी क्या करेगी, ये तो घर की खाना बनाने वाली यही समझती है, गोबर बिनने वाली है, गैया बकरी चराने वाली क्या करेगी, पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये समाज में क्या कि 95% आदमी कोई कुछ नहीं बोलता, 5% आदमी गाँव को बनाएगा और 5% आदमी गाँव को पूरा बिगाड़ेगा, 5 ही इंसान ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो 90% आदमी है ना उन लोग कुछ नहीं बोलते, वो बस सुनते रहेंगे लेकिन सामने भी नहीं आते, कोई गाली देंगे गलौज देंगे जो भी करेंगे लेकिन कोई सामने नहीं आते, इनको गाली पड़ रहा है करके, क्योंकि उन लोग 5 आदमी इतना चिल्लाएंगे ना बाकी लोग का आवाज बंद, तो ये पूरे ये सभी महिलाओं के साथ ये होता है, इसलिए सामने कोई नहीं आया, मैं अपना काम करके सामने आई, महिलाएं हम लोग सब साफ किए, गली मोहल्ला स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उनको बाल बोझ शुरू किए ना, तो बाद में उन लोग को लगा रहे तो जो काम हम लोग नहीं किए हैं गांव की बहू लोग कर रही हैं, तब उन लोग सपोर्ट करने लगे, घर के लोग सपोर्ट करने लगे, नहीं तो कहाँ के इन लोग कोई साथ, उनको लगता था कि गाँव में ऐसे होता है भैया जी कि महिलाएं कहीं भी मत निकले, वो खुद करेंगे ना किसी करने नहीं देते, ये सबसे ज्यादा हमारे देश में यही आदत खराब है कि खुद करेंगे ना किसी को नहीं करने देते, और करेंगे ना उनका पैर पकड़ के खींचने का काम भी महिलाएं
करती ही हैं, इसलिए ना वो नहीं देते थे। लेकिन आज तो मैं महान, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा गांव अज्ञानता में था, लेकिन आज बिना मेरे पूछे बिना कुछ नहीं करते। हर चीज में सभी बोलेंगे कि प्रभासन जी को बुलाओ, सम्मान करते हैं। और कहीं कार्यक्रम में जाती हूँ, कहीं सम्मान लेके आती हूँ, बाकायदा सम्मान करते हैं, ढोल बजा फटाका फोड़ के सब लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं सभी लोग। और कोई भी यहाँ आते हैं सबको मिलाते भी हैं, मिलते भी हैं, किसी का भी काम है तो लोग आस मेरे बात करते हैं, ये होता है। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया। और अंतिम प्रश्न मेरी ओर से ये था फुलभूषण भाई जी की, जैसे आपने बोला नशा मुक्त करने का प्रयत्न आपने किया, अभी भी कर रहे हैं गांवों को, किंतु कुछ लोग हैं भारत में भी भारत के बाहर भी, शायद विशेषतः शहरों में लेकिन हो सकता है गांव में भी ऐसे कुछ लोग हों, जिन्हें ऐसा लगता है कि नशा मुक्त ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, लोगों को अपने अपनी चॉइस जो उनको करना है वो उनको करने देना चाहिए, अगर कोई समस्या हो तो उससे भिड़ना ही है, अगर गाली गलौच हो जाए मारपीट हो जाए तो उसको तो संभालना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे नशा मुक्त करना इतना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन जब आपसे बात आपका सुना और कुछ और लोगों से भी सुना, सुनते हैं लोगों के बारे में, तो एक दूसरा बात भी आती है कि नहीं नशा मुक्त ही होना चाहिए पूरा। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिले क्या जिन्होंने ऐसा बोला कि अरे नशा मुक्त नहीं करते, और आपको मोटा मोटा क्या लगता है कि बिना ऐसे बैन, बिना पूरी तरह से नशा मुक्त हुए काम चल सकता है, या नशा मुक्ति के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा? दोनों चीज है, क्योंकि नशा मुक्त तो नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, मरते दम तक नहीं होगा, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन पीने का भी एक अलग अंदाज होता है, पहले पीने वाले थे, लेकिन आज के जो पीने वाले हैं ना, एक कई प्रकार के, कहीं पड़े हैं, कोई सुअर की तरह पड़े रहेंगे, कोई कुत्ता की तरह पड़े रहेंगे, वो पीना नहीं है ना। आप पिए, लेकिन ऐसे पिए जितना आप माँ बहन और सबको समझ पाओ, पीने में कोई खराबी नहीं है, मैं मना नहीं करती कि आप नशा मुक्त होना तो संभव ही नहीं है, लेकिन हम आने वाले पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। जो अभी चल रहे हैं ना, जो हम लोग घूम रहे हैं अभी फौज में, तो मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि पीने वाले पूरे शरीर में खून खून में बस चुका है नशा, उसको हम लोग बंद नहीं कर सकते, कंट्रोल में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसको। और महिलाएं संगठन में रहेंगी तो किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा, ये कारण है आज घूमने का, कम करने का। कोई बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होगा, कोई पत्नी को आग में नहीं जला देंगे, चीता नहीं जलाएंगे, किसी बेटी के साथ मारपीट नहीं होगा। तीसरा चीज है कि कहीं गरीबी ऐसे भी नहीं होगा जो बेटी नहीं पढ़ रही है, बेटी को खाना नहीं मिल रहा है, बेटी कहीं भी जाके भीख मांग रही है, वो नहीं होगा। पिए, लेकिन इतना पिए जो अपना घर भी चलाए, अपने परिवार को भी चलाए, अपने अपने घर तक पिए सीमित रहे, गली में यहाँ पीने वाला नहीं है। गली में पियेंगे तो सीधा महिलाएं दौड़ाती है लकड़ी लेके दौड़ाती है, और सिटी बस बच जाए तो उन लोग तो कहीं किसी का शराब वहीं पे पड़ा रहता है, किसी का मुर्गा मटन जो मिक्सचर रहेगा उसको खाते रहेंगे, छोड़ के भागते हैं, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ा ताकत है। इसलिए हम लोग नशा मुक्त के लिए, अब नशा एक चीज नहीं है, नशा बहुत सारा है, नशा का मतलब एक शराब ही नहीं है, बहुत सारा नशा है। और उसके लिए सरकार को भी सामने आना चाहिए, हम सबको मिल के सामने आना चाहिए, कंट्रोल में हो, समाज में जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ वो ना हो। आज 3 साल 4 साल बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बड़ा दुख लगता है, इसीलिए तो मैं ये काम नए नए काम करते रहती। और दूसरा चीज आप और क्या बोले भैया? हाँ बस यही पूछ रहा था, मतलब ये मेरे मन में प्रश्न इसलिए भी आया कि जैसे कुछ कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ इसलिए पीना शुरू करते हैं कि वो पीने से वो कूल हो जाएंगे, वो समाज में एक उनका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो लोग उनको अच्छा मानने लगेंगे, लोग उनको ऊंचा एडवांस मॉडर्न मानने लगेंगे, इसलिए भी लोग पीते हैं। तो उसके बारे में आपने आपने भी स्वयं अपने जीवन में ऐसा देखा, ऐसा है, और उससे कैसे आपने डील किया, इस प्रकार का मैं जानना चाह रहा था आपसे।
लेकिन जो आपने बताया उससे ध्यान में आया, वो मतलब वो नियंत्रण में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है समाज तो फिर कभी कभी ये डंडा शायद चलाना भी पड़ता है। मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया, शायद आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया फुलवासन जी, मेरा आने वाले जो पीढ़ी है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में शराब नहीं बनेगा तो उन लोग को पता नहीं रहेगा कि शराब कैसे बनाते हैं, घूमते रहेंगे वहां, कुल्लड़बाजी नहीं होगा ना, तो उससे बच्चों को बचाया जा सकता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको हम लोग बचा सकते हैं, और उन लोग पिएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर जैसे हम लोग संस्कार देंगे वैसे हमारा संस्कार बढ़ेगा, इसलिए हम लोग काम कर रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अभी तो जिले तक सीमित में नहीं हूँ, अभी पूरे अलग, कल मेरा 10 दिन का टूर है, 10 दिन भी निकलूंगी, घर 3000 रहूंगी 10 दिन तक, कल सुबह निकल जाऊंगी, तो मेरा काम ही ऐसी है, कम से कम जिंदगी जब तो कुछ करूँ अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, यही सोच है जी। जी तो अब मैं कुछ प्रश्न हमारे अभी जो श्रोतागण अभी हैं और कुछ हम पहले भी प्रश्न पूछते हैं वो आपसे थोड़ा सा पूछता हूँ, आप बताते जाइएगा फुलभूषण जी, एक 8-10 प्रश्न होंगे, देखते हैं कितना हो पाएगा समय की सीमा में। एक हमारे हैं, अच्छा, देयर इज वन एनोनिमस अटेंडी हुज आस्किंग व्हाट इज CGNCH, दैट इज छत्तीसगढ़, सो आई थिंक फुलभूषण जी डजंट नीड टू आंसर दैट। दिस इज बायो फार्मिंग और यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। तो फुलभूषण जी, एक रामस्वामी विजयपालन जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप ये बायो फार्मिंग यानी जैविक ही खेती करते हैं या जो ये केमिकल्स वगैरह को भी आप उपयोग में लाते हैं? फुलभूषण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। जी भैया बोलिए। हाँ, तो ये एक प्रश्न था एक श्रोता का कि ये जो आप कर रहे हैं ये बायो फार्मिंग यानी जैविक खेती है या फिर केमिकल भी यूज करते हैं आप अपनी खेती में? केमिकल नहीं रहता हमारा, पूर्ण ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हैं, फल और सब चीज जो भी है, हल्दी धनिया मिर्च ऑर्गेनिक से ही, उसी में गोबर खाद से केचुआ खाद से तैयार करते हैं जी। जी ठीक है। एक प्रश्न है, सुप्रियो रॉय जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि यदि आपने सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली तो फिर आपको जो भी धन इत्यादि की आवश्यकता थी वो कहाँ से मिला, कैसे आप जुटा पाए उसे? हाँ फुलभूषण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही फुलभूषण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं फुलभूषण जी? सो आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू, ऑर्गेनाइजर्स हाउ डू वी हैंडल दिस, डू वी कैन वी मेक अ कॉल टू हर एंड कंफर्म इफ देयर इज एन इशू? Sure. So, audience, I request you to please be patient. Maybe just a couple of minutes. We should get back to you about what the issue is. भैया आवाज आवाज नहीं किया। हाँ अब आई हाँ फुलभूषण जी बताएं। आपने प्रश्न सुना क्या? हाँ ये ना हम लोग एक एक रुपये चावल, एक एक मुट्ठा चावल और एक रुपये पैसा पुराना सा पंडाल, जो महिलाएं साड़ी नहीं पहनती ना उसको हम लोग पंडाल बनाते हैं, दो दो जोड़ जोड़ के, और उसमें हम लोग 2,00,000 महिलाएं एक साथ बैठती हैं, खाती हैं, बनाती हैं, और जो छुआ छूत का जो भावना रहता है समाज में, ऊंच नीच का भावना है, उसको दूर। पर आपको कुछ यानी कुछ धन की आवश्यकता नहीं होती क्या अपने सारे, जैसे कुछ खरीदना ही है, कुछ आपने काम शुरू किया उसका? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? हम ना पुराना साड़ी का पंडाल लाते हैं अपने, सब लोग पुराना साड़ी लाते हैं,
और एक एक चावल लाते हैं, थोड़ा दाल लाते हैं और एक एक रुपया पैसे इकट्ठा करते हैं, हमारा कार्यक्रम हो जाता है 2 लाख महिलाओं का। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से भी फिर कुछ धन इकट्ठा करते होंगे एक एक रुपए के अलावा, है ना? हाँ हाँ, जब जब हम लोग जैसे महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं 8 मार्च को जी, तो सबके यहाँ से चावल, पुराना साड़ी आ जाता है, थोड़ा दाल खिचड़ी बनता है और चटनी बनाते हैं खिचड़ी दाल से। 2 लाख महिला एक साथ जबरदस्त खाना पीना, परसने वाला और बनाने वाला देने वाला, हम सभी 2 लाख महिला एक साथ हो जाती है। तो मांगने का कोई ये ही नहीं लगता सरकार से। जी 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 जी, तो सुप्रियो जी, द आंसर इज दैट यू नो देयर इज सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी फंड रेजिंग दैट हेल्प्स देम आउट बोथ मॉनेटरी एज वेल एज इन काइंड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स देम गोइंग। सुरेखा जी, आप पूछ रहे हैं जिमीकंद क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हैं फुलबसन जी। वो जिमीकंद एक सुरंग कांद है जो जमीन के अंदर। जी ना, वो एक सुरंग कांदा होता है जो जो जीभ में खुजलाता है ना थोड़ा हल्का हल्का जी, वो बहुत महंगी मिलता है, 40-50 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है वो। जी 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 जी, और ना कोई खाद वाद डालने की जरूरत भी नहीं लगता, पानी का भी जरूरत नहीं रहता वो, और 7 महीने में जो हम पाव लगाएंगे वो आपको 4-5 किलो तक मिल जाता है, भाव भी बहुत अच्छा रहता है। और वो ना जी बार बार इसमें जी 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 ये है सुरंग कांद, हमारे तरफ वो एक जैसे बड़े बड़े पार्टी में बनाते हैं, छठी में बनाते हैं, वो एक विशेष सब्जी है छत्तीसगढ़ का, हमारा सबसे ज्यादा उसको ही हम लोग कोई भी अच्छा त्योहार है कुछ भी है तो उसको बनाते हैं जी, जी, और जी। आज तो पूरे जिले में नहीं पूरे देश में जिमीकंद खाने के लिए खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं इसको। बिल्कुल, उससे ना बहुत सारा बीमारी एक बीमारी भी खत्म होता है भैया, बहुत सारा बीमारी है ना उससे बचते हैं जी जी, खाने से के लिए बहुत ताकतवर है वो। जी जी ठीक है फुलबसन भाई जी, एक थोड़े से प्रश्न आप हमारे पहले लोगों ने जो पूछ लिए हैं उसमें से मैं आपसे पूछता हूँ, 3-4 ही हैं, बहुत अधिक नहीं है ये। एक ओम अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी हैं, वो पूछना चाहते हैं कि आपने जो आपकी जो पूरी टोली होगी टीम जो है उसको एक प्रकार से कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि एक टीम टूटने का बहुत वो आसार होते हैं ना, एक बार साथ में आते हैं लोग फिर बिखर जाते हैं, और बाकी जिन लोगों में कुछ स्किल है जो कुछ अच्छा कर सकते हैं और समाज के लिए समय भी दे सकते हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे चुनते हैं, इसके बारे में कुछ अगर मोटा मोटा मार्गदर्शन दे पाए तो ये ओम जी जानना चाह रहे थे। टीम कैसे बनाते हैं और लोगों को चुनते कैसे हैं? आपकी आवाज कट रही है फुलबसन जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हाँ मैं सुन रही हूँ भैया, सुन रही हूँ जी जी। आपको प्रश्न ध्यान में आया फुलबसन जी? हाँ, आप प्रश्न सुन पाए क्या जो मैंने पूछा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं वापस दोहराता हूँ, ये पूछ रहे हैं कि टीम बिल्डिंग यानी एक टोली को कैसे साथ में रखना, कैसे उसको टीम को अपनी पूरी बनाना और उसमें रहने के लिए अच्छे जिनमें अच्छे गुण हों ऐसे लोगों को चुनना, ऐसा ये कैसे करते हैं आप, इसके बारे में कुछ आपसे मार्गदर्शन चाह रहे थे।
Shraddha, I think it's really bad right now at her end. Yes, should I call her and just let her know that, or should we wrap up? What do you suggest? Yeah. No, let's take maybe 1 to 2 more minutes to just wait for her. Just call her and tell her that there's an issue. Maybe she can do something about it. Sure, I'm doing that. Yeah. And maybe ask her to shut the video off so that the audio can be better, which she's already done, but yeah. Yes. Okay, I request all of you to please be patient again. Let's see if we can sort this out. फूलबसंत भाई जी, अभी आप सुन पा रहे हैं हमको? आपको अनम्यूट करना होगा, अभी आप म्यूट पर हैं। अब हुआ? जी। हाँ, क्षमा करें फूलबसंत जी, आपको बहुत नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो मोबाइल है, इंसान तो बन सकता बाहर कहीं ना कहीं गड़बड़ होना चाहिए। जी भैया बोलिए। जी, वो आपको प्रश्न ध्यान में आया फूलबसंत, टीम वाला प्रश्न? फूलबसंत भाई जी, आप म्यूट पर चले गए हैं, आपको अनम्यूट करना होगा एक बार। हेलो। जी, सुन पा रहे हैं जी। तो प्रश्न था, आपने अपने अपनी टीम को साथ में रखने के लिए, उसे बनाने के लिए और उसमें अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए उनको कैसे चुना आपने? उस सब के लिए क्या किया टीम के लिए, लोगों को चुनने के लिए? बोले तो इसने नहीं करवाते जी। आपकी आवाज अब आ रही है फूलबसंत जी? हाँ, बोल रही है। तो ये आपने जो टीम को बनाने के लिए, टीम को साथ में रखने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, अच्छे लोगों को चुनने के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? बहुत सुंदर बात है, क्योंकि ना महिलाएं 12 महिला जुड़ लेती हैं, 10 से 12 महिलाएं जुड़ती, लेकिन 2 इतना खतरनाक होती। हाँ, तो हेलो। जी। हाँ, ये ना जैसे मैं बताई ना कि 95% आदमी गांव को बिगाड़ता है और 5% आदमी गांव को बनाता है। वो 5% जो महिलाएं होती है ना, वो महिलाओं को मैं निकाली हूँ, क्योंकि ना वो ना कभी अपने बारे में नहीं बोलती। जिन लोग जिनको समाज सेवा करना है, कुछ अलग हट के काम करना है ना, तो कभी अपने बारे में सोचती नहीं है, वो लालच नहीं करती, उनको ये नहीं लगता कि मेरे को क्या मिलेगा। वो सबसे पहले वो गांव में साफ सफाई से लेके वो दूसरे के बारे में बोले कि उनके यहाँ बच्चा खाना नहीं है, उनको खाना दे दूं, तो एक अलग पहचान होता है हम लोग को, जिन लोग कर सकते हैं। जैसे लालच नहीं है, समय में कोई भी काम में जाना है तो हम लोग समय में निकल जाते हैं, समय का ध्यान देती हैं, तो
इसमें ना मैं चुन के ले आती हूँ और सभी लोग अच्छा काम करने वाले का पहचान ही हो जाता है, कहीं ना कहीं 5-10 आदमी मिलते ही है। जी जी जी, बहुत सुंदर फुलवासन जी, ध्यान में आया। तो आई होप ओम अग्रवाल जी, यू हैव गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन। बेसिकली जस्ट फुलवासन जी सेज दे जस्ट स्टैंड आउट, दे डोंट टॉक अबाउट देमसेल्फ टू मच, दे आर यूजुअली सिंसियर, दे आर नॉट सेल्फिश एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड आई थिंक मच ऑफ इट इज ऑल्सो दैट वंस यू स्टार्ट वर्किंग, आई थिंक यू डेवलप दैट नैक टू आइडेंटिफाई सच पीपल एंड देन कीप ऑन एंगेजिंग विद देम। राकेश गुप्ता जी ये यूएस से हैं, ये पूछते हैं फुलवासन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नेटवर्क का है जी, मेरी आवाज आ रही है फुलवासन जी? आ रही भैया जी जी हाँ। तो ये पूछना चाहते हैं कि आपके अनुसार जो हमारी वनवासी महिलाएं हैं जहाँ से आपने काम किया छत्तीसगढ़ में, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया आपके काम करने से? उन लोग तो आज ना घर में ना ताला लगा दौड़ते हुए आते हैं, जहाँ लगता है कि दीदी आई है हमारे तरफ तो दौड़ के आते हैं। उनमें रोजगार स्थापित की हूँ, उन लोग ना ऐसे लौकी के इसे ढक्कन लगा के सुखा के उसको पानी गाढ़ा गाढ़ा पीते थे, चावल वावल नहीं बनता था उनके घर में। उन लोग को ब्लाउज भी पहनने भी नहीं आता था, ब्लाउज भी नहीं पहनती थी महिलाएं, एकदम बात भी नहीं कर पाती थी, डरती थी कोई भी आ जाए ना तो जंगल में जाती थी। तो वो महिलाओं के पास जाके मैं वो घर 2-3 दिन रुकती थी वहीं उनके घर में, उनके साथ खा आज ये स्थिति नहीं है। आज तो सभी महिलाएं एकदम हैं बन गई है, प्रधानमंत्री के साथ भी बात कर सकती हैं, उनको बोलना पड़ता है कि 5 मिनट बात करना ज्यादा मत करना। महिला सशक्तिकरण का मेन यही तो कारण है, क्योंकि वो पहले डरती थी और डर को भगा दी, वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, अपना अधिकार के लड़ती हैं और रोजगार स्थापित की है। जो जितना भी जंगल में वनोपज का सामान है बाहर के लोग नहीं आते, खुद खरीदी करती है उन लोग, खरीद के ज्यादा पैसा में बेचती है। ये हमारा एक अलग गांव के आदिवासी महिलाओं के साथ ये काम हो रहा है और महिलाएं आज मैं मेरे भरोसे ही नहीं है, मैं उनकी ना घर की छोटी दीदी बन के चली गई, बड़ी दीदी बन के चले गई, उनका जो सहारा बस उनका डर को भगाई हूँ। मैं कुछ नहीं की हूँ, बस उन जिंदगी जीना कैसे है ना कि उनका अधिकार है, वो मैं पीछे रहती हूँ, उन लोग को सामने लाती हूँ, उनको आपको ऐसे से बोलना। और तीसरा चीज है मंच देती हूँ, कहीं छोटा से छोटा मंच मिले या बड़ा से बड़ा मंच हो तो वो मंच में बुलवाती हूँ उन लोग, उनका डर भग जाए, इसलिए महिलाएं आगे बढ़ के काम की कर रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से ये तो राकेश गुप्ता जी, आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस, बट basically there's a fundamental change in the way they speak, the way they dress themselves, almost everything that they do, and the role that Phulbasan Bhai ji has played is essentially facilitating them and giving them a lot of confidence in themselves. So that's what broadly the answer was, but I think if you understand Hindi you would have got more than this. Harsh Sharma ji puchte hain Phulbasan Bhai ji ki ye ek swayam sahayata samuh se एक बिजनेस की तरफ कैसे बढ़ते हैं, मतलब कुछ कुछ कंपनी भी शायद बनाई है आपने, आप ऐसे बता रहे थे, ये यात्रा कैसे होती है? नहीं, आपकी आवाज में फिर से कठिनाई है। ओके, ऑलराइट, तो व्हाइल शी कम्स बैक, आई थिंक देयर वाज सम अदर क्वेश्चन, how to mobilize the members for SHG formation. I think this has been answered. Sort of elaborate on the working of SHGs during the pandemic and the relationship with NRLM. So I don't think they really interact with NRLM as much. That's what my guess would be. How do these SHGs sustain themselves? I think this we've already talked about. Current challenges, she's talked about it. And then I think most of the questions are answered. If she comes back, we'll just have one or two more questions. And then we should be able to wind up. Phulbasan Bhai ji, आप सुन पा रहे हैं?
Shraddha, I think we will just have to wind it up now. Yes. Should we wait for 1 minute? I'm calling her. Yeah, let's just wait for one more minute and then, yeah. फुलबासन भाई जी आप म्यूट पर हैं. ठीक है, अभी फूल बसन भाई जी हमें सुन पा रहे हैं. अच्छा, हाँ, फूल बसन जी. हाँ हाँ जी जी. तो ये प्रश्न ये था कि ये ऐसे स्वयं सहायता समूह से बिजनेस की ओर एक कंपनी बनाने की ओर कैसे ले जा पाते हैं आप? कौन आपको उसमें मार्गदर्शन देता है, कौन सहायता करता है? मैं तो यही बोल रही हूँ कि आदमी घर महिला घर से बाहर निकल जाए ना, तो जो दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चालू हो जाता है. मैं जैसे मान लो 25 गांव है, 25 गांव में महिलाएं हैं जो अलग अलग तरीके से काम करना चाहती. किसी को लगता है कि नहीं हम लोग बकरी पालन करेंगे, तो 200 ऐसी छोटे जी. हाँ तो सुना रहे सर? हाँ 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 जी जी जी. तो ना हम लोग ना उस ना अलग अलग जगह के महिलाओं को इकट्ठा करके ग्राम सेक्टर बना लिए. सेक्टर बनाने का मेन कारण यही था कि रुचि होना चाहिए कोई काम में. जिसको जिसको रुचि है डेयरी में, ऑर्गेनिक खाद में, चीताफल आइसक्रीम में, तो उनका एक ग्रुप तैयार कर लिए हम लोग ब्लॉक लेवल से. अब उसमें से 700, 800, 1400, 1000, 2000 ऐसी महिलाओं को इकट्ठा करके उनका सोसाइटी बना दी. क्योंकि सोसाइटी बनेगा तो उनको उनको महिलाएं हैं जो बाकी महिलाओं को भी ट्रेनिंग देगी. दूसरे चीज ये है कि वो रुचि में करेंगे तो एक साथ 10-12 महिलाएं तो समूह में नहीं कर पाती. चार आदमी एक काम होती है तो चार. सोसाइटी में जोड़ लिए और सोसाइटी में बहुत सारा फायदा भी है कि हमारा कार्ड सही रहे, नियमित हम लोग बैठ सके. बैठना तो हमारा समूह में भी होता ही है. नियमित बैठो, नियमित बचत करो, आपसी लेन देन समय में उधार वापसी लेकर संधारण. तो इसमें हम लोग कुछ और बढ़ के कुछ करना चाहते थे कि सोसाइटी कंपनी में रहेगा तो हम हमारा सामान बाहर भी भेज सके, देश से विदेश भी भेज सके. समूह में तो छोटा छोटा सामान बनता है, छोटा छोटा काम होता है. तो आज हमारा 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो उससे हम लोग देश विदेश में भी हमारा सामान बेच सके. इसलिए हम लोग सोसाइटी और कंपनी बनाए. जी बिल्कुल ठीक है. ओके तो सुभाष जी आप सुन पा रहे? नहीं शायद डिस्कनेक्ट हो गए. हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी सुभाष जी? अच्छा फुलबासन जी आप सुन पा रहे हैं? I'm calling her. हाँ ठीक है. I think so. Let's wind up, Shraddha. I think we are also hitting the time. There was just one more question for audience which I wanted to take, which was from Shanu Goyal, who was asking how can they associate with Phulbasan ji. But I think this question, I mean, we can write to Seva and they can probably connect or whatever works out between Phulbasan ji and the rest of us. So with that, I mean, I mean there were some disturbances. Beech beech mein bahut phone kata, connectivity ityadi ka samasya rahi. Par phir bhi sabhi shrota gano ko, sabhi audience ko bahut bahut dhanyawad. Ek shukrawar sham ke samay apna yahan par samay dene ke liye. और फुलबासन भाई जी आपका बहुत 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 आभार. मैं जो सोच रहा था उस प्रकार का ही मुझे एक प्रेरणात्मक आपकी ओर से सुनने को मिला.
आशा है कभी ना कभी आपके यहाँ आकर के आपसे प्रत्यक्ष मिलने का और आपके काम को देखने का भी अवसर मिलेगा। विद दैट आई हैंड ओवर टू यू अभिषेक जी। थैंक यू नोमेश जी और फूल बसंत भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने अपनी पूरी यात्रा बताई, ये हम सबके लिए प्रेरक है। और एक महिला कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक गांव, एक परिवार, एक समाज ही नहीं अपितु हम जैसे देश विदेश में बैठे भिन्न लोगों तक पहुंचा सकती है, आप उसकी एक जीवित उदाहरण है। और सेवा संवाद का उद्देश्य भी यही है। दिस इज द पर्पस ऑफ सेवा संवाद, टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ टुगेदर, टू ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टुगेदर। एंड इन द सेम सीरीज वी हैव आवर नेक्स्ट सेशन ऑन 23rd of October, the topic being Realizing Arogya Swaraj, Our Health in Our Hands. And our esteemed speakers are Dr. Abhay and Rani Bangji, who are celebrated doctors as well as Padma Shri awardee. So see you all there on 23rd of September, 6 p.m. IST. Let's keep doing our bit and let's keep our journey going from Vaad to Samvaad through Seva Samvaad. Thank you. Namaste.